स्वर्गीय हनुमंत सिंह बघेल जी की प्रथम पुण्यतिथि है। निश्चित ही समाज में श्री हनुमंत सिंह बघेल जी ने समाज को जागृत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था मीडिया जगत के माध्यम से, और हम लोगों के तो व्यक्तिगत वो मित्रवत संबंध थे। हमेशा राजनीति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमेशा हम लोगों को वो बताते रहते थे, बुला के समझाते थे कि कैसे आप काम करिए, समाज में आप किस तरीके से आप दिखिए, आपका दायित्व क्या है। इस तरीके का बराबर उनसे हम लोगों का संवाद होता रहता था, एक पारिवारिक संबंध उनसे बन गए थे। आज हम सभी उनके प्रथम पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित। हनुमान भैया हमारे भाई नहीं पिता थे, हमारी बहुत ही बड़ी क्षति हुई है जिसको कोई पूरी नहीं कर सकता है। वो हर एक समय पे हमको सीख देते रहते थे, हमको हिम्मत देते रहते थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, हर काम को वो पहले हमको बताते थे, मैं उस काम को करती थी। आज के समय में मैं उस चीज़ को ढूंढती हूँ कि कोई अब अपना नहीं है जो हमको बताए कि अंशु तुमको ये करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सब काम मैं हर एक परिस्थिति में रहती थी, उस परिस्थितियों को वो समझते थे और उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता मुझे बताते थे। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उनके लिए मैं क्या कहूँ, उससे मेरे मतलब उनके न रहने पे मुझे बहुत ही हानि हुई है जिसकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकती और ना इसके बारे में मैं कुछ कह सकती हूँ। देखिए आज प्रथम पुण्यतिथि है, उनको याद करके मन बहुत विचलित है। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो गरीबों को असहायों की गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जो आवाज़ बन के लड़ाई लड़ते थे, जो उनकी आवाज़ को उठाते थे और समाज के हक अधिकार के लिए बेबाकी से लड़ते थे, आज याद करके मन बहुत दुखी है। और निश्चित रूप से अच्छा लगा परिवार के लोग ने अपने इतिहास को सजोए रखा, उनको याद करने का काम किया। एक बार पुनः उनको सत सत नमन करते हैं और अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए, हम सब के लिए। स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल जी एक आदर्श व्यक्ति रहे हैं और मीडिया जगत के एक सम्भ्रांत व्यक्ति रहे हैं, और इन्होंने जिसे अगर मैं विशेष रूप से कहूँ, अगर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जन समुदाय को जागरूक करने में, जन समुदाय तक बेहतर से बेहतर रूप में सूचना पहुंचाने में इन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई थी, और मैं इनका बहुत ही आदर सम्मान करता रहा हूं और आगे भी मैं इनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व था, इनका जो समाज के प्रति दायित्व था, इन्होंने बहुत पूर्ण रूप से उसका निर्वहन किया है। मैं स्वर्गीय हनुमान प्रसाद बघेल जी को, मैं हनुमान सिंह बघेल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पूरे परिवार के साथ मैं आश्वस्त करता हूँ कि सदैव हम उनके साथ रहेंगे, और जो सोच उन्होंने प्रारंभ की है उसमें मैं हमेशा सहयोग प्रदान करता रहूँगा। देखिए आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि आज स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल जी, जो लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में एक जनसेवा का काम किया करते थे, और बहुत ही निष्पक्षता और निडरता के साथ उन्होंने गोरखपुर की जन समस्याओं की लड़ाई लगातार लड़ने का काम उन्होंने किया था, और हम लोगों को भी उनसे काफ़ी ऊर्जा मिलती थी। आज उनको हम लोगों के बीच से गए हुए एक साल हो गए, तो आज हम लोग बहुत दुखी हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस राप्ती कॉम्प्लेक्स के वो चूँकि इसके भी अध्यक्ष रहे हैं, और लगातार उन्होंने जो लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए हैं उनकी लड़ाई भी उन्होंने बहुत लगातार लड़ते रहे, सड़कों से लेकर के कोर्ट कचहरी तक लगातार लड़ करके लोगों को न्याय दिलाते रहे हैं। और पूर्व में जब पूर्व की सरकारों में, जब बसपा सरकार में लोकल चैनल को बंद किया गया था, तो उस समय लोकल चैनल की लड़ाई भी उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ने का काम किया था। उसमें हम लोग भी एक लोकल चैनल क्राइम सस्पेंस टीवी न्यूज़ चैनल चला रहे थे, तो उसमें उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई मीडिया के लिए लड़ने का काम किया था। तो आज हम लोगों के बीच में वो नहीं हैं, लेकिन उनसे काफ़ी ऊर्जा हम लोगों को मिलती रही है। और जो गोरखपुर न्यूज़ जिसके वो संपादक रहे हैं, आज गोरखपुर न्यूज़ भी बहुत मजबूती के साथ गोरखपुर जनपद की तमाम जन समस्याओं को, जहाँ कहीं किसी के साथ अन्याय जुर्म जास्ती गलत हो रहा है, वहाँ पे उनके द्वारा स्थापित किए गए गोरखपुर न्यूज़ चैनल के द्वारा
उन समस्याओं को उठा करके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है और लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया जा रहा है। आज एक बार पुनः मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी, उनकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी पत्रकार रहे हैं, जो फील्ड में उनके चैनल के लिए काम करते हों या फिर दूसरे चैनल के लिए काम करते हों, सबका जो हित होता है उसको हमेशा वो साथ लेकर चले। और इसके साथ ही उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी लोकल चैनल पे, कई बार ऐसे संकट आए कि हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा, हर बार उन्होंने डट कर मुकाबला किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ वो चैनल चलाते रहे। और यही वजह है कि जितने भी लोग थे, चाहे मनोज भाई साहब हों, चाहे अमित वर्मा जी हों, और भी जितने लोग हैं, तृप्ति मैडम हैं, ये लोग तमाम लोग ऐसे उस दौर में चैनल चला रहे थे कि कई बार संकट आया लेकिन सब लोग हिम्मत किए रहे और सबको हिम्मत बना के बघेल जी ने उनका विश्वास भी जीता और हमेशा लड़ाई लड़ी है ऊपर तक जाकर। और जब अकस्मात निधन हुआ तो अभी भी हम लोग पुष्पांजलि कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जैसे बघेल जी हम लोग के बीच नहीं है और अभी कुछ ना कुछ हम लोगों को डांटेंगे या कुछ समझाएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी स्मृतियां उनकी जुड़ी हुई है, यही वजह है कि हम लोग इस बार प्रथम पुण्यतिथि पर आए हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। देखिए भैया, हम लोग के बीच में नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनका आशीर्वाद सहयोग समर्थन हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। इनके जाने के बाद जो शून्यता आई पत्रकारिता जगत में उसको अभी तक कोई भर नहीं पाया। हम लोग को हमेशा उनकी कमी खलती रहती है। और मैं आपको बताऊं कि भैया केवल पत्रकारिता जगत में ही नहीं, हर क्षेत्र में लोकप्रिय थे, चाहे खेल हो, चाहे समाज के लिए कोई कार्य हो, सबके साथ मदद के लिए खड़े रहते थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, हम लोगों के दिल में दुख है लेकिन आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें वहाँ से परिवार के ऊपर, हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए, स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल गोरखपुर के पत्रकारिता जगत में पत्रकारों के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे थे जो सबके लिए कुछ न कुछ सीख देने का काम किया, कुछ लोगों को रास्ता दिखाया लेकिन आधा रास्ते में ही छोड़ के हम लोगों को चले गए। आज एक साल हो गया, आज उनकी कमी हमें खल रही है कि आज वो हमारे बीच में होते तो हमें कहीं न कहीं मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखाते रहते हैं। खास तौर से प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, उन्हें आज इस पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए न मांगों से उन्हें याद कर रहा है। बताना चाहेंगे हम कि हनुमान सिंह बघेल जब भी मिलते थे तो कुछ न कुछ नई बातों को समक्ष में रखते थे। हमें वो उत्पाती के नाम से कहते थे हरिंदर तुम उत्पाती हो, हर जगह बवाल करते रहते हो। आज ये बात कहने वाला हम लोगों के बीच में नहीं है लेकिन फिर भी विधि का विधान है और इसी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। उनकी यादों, उनके मार्गदर्शन, दिखाए हुए रास्ते को स्मरण करते हुए आज हम उन्हें याद करेंगे और आगे भी उन्हें स्मरण में रखे रहेंगे। आज प्रेस क्लब के पूरे कार्यकारिणी के तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।